मैं सुंदर विजय एसपी सिंह बोसल साबका सैनिक सिंह स्मृति नेशनल कॉलेज। मैं सबसे पहले पूरे देश के साबका सैनिकों को, देश में साबका सैनिक जथेबंदियों को, पूरे सैनिक समाज को, पूरे देशवासियों को गुरु नानक देव जी के गुरपुरब के जन्म दिहाड़े की शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि बाबा नानक देव जी ने सानू जो उपदेश दिते है उन्होंने उपदेशों के चलते हुए हमने जो अपने संवैधानिक अपने हकी मंगा के लिए जीत पर जीते जंतर मंत्र पर बैठे हैं, ये हमारे को हमारे गुरु ने सिखाया है कि अपने हकी मंगों के लिए संघर्ष करना है, संवैधानिक तरीके करना है। हम भी देश के नागरिक हैं। बाबा साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया हमारे को उसी संविधान के मुताबिक ही असं अपना एजुकेशन कर रहे हैं। और 20 फरवरी से जंतर मंत्र पे बैठे हुए हैं लगातार, वो कई तरह के एक्शन किए हैं लेकिन सरकारों के कान के उत्ते यूं नहीं रही। और अभी जो हमारा लास्ट जो एक्शन किया हमने 25 नवंबर को, मैं पूरे देश के साबका सैनिकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्पेशली साउथर्न साइड के जो साबका सैनिक जो 4 दिन पहले ट्रेनों में बैठ गए थे दिल्ली के लिए, क्योंकि एक्चुअली हमारा प्रोग्राम था दिल्ली में रेलवे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेल रोकने का, लेकिन उसमें हम जो है इतना कुछ सरकारी एजेंसियों का प्रेशर पड़ गया, इन्ना क जो रस्ते दे विच पंजाब तो जरा हरियाणे का बार्डर है बैरियर लगा दिते गए, इन्नी फोर्स नाल कर दिती गई और असी महसूस किया कि असी दिल्ली नहीं पहुँच पावे पंजाब के जिहड़े साबका सैनिक हैं। और जिहड़े दूसरे प्रदेशों तो सौदर साहब तो इधरों उधरों ट्रेनों से बैठ के आए उन्होंने भी बहुत खज्जल खराबी होनी पई, जिसे वास्ते असी माफ़ी मांगते हैं। और पूरे देश के नागरिक आम नागरिक से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमारे को मजबूर होकर जो ये स्टैप उठाना पड़ा। हमने दिल्ली में न्यू दिल्ली में रेल रोको आंदोलन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे को वहाँ प्रशासन ने नहीं जाने दिया और हमने रात रात जो है प्लानिंग चेंज किया और जरा पंजाब के सबू बार्डर के उत्ते जरा वा असी रेल रोकी है। ये एक साडा गुप्त एजेंडा सीगा क्योंकि ये जिहड़ी प्लानिंग है साडी संघर्ष कमेटी के केवल 2 मैंबरों असी अथराई किया होया सीगा, नायक हरपाल जनरल सैकटरी और नैशनल स्पोक्सपर्सन ललन तलवार जी। इन्हां तों इलावा होर किसी बंदे नूं भी कोई पता नहीं था, सानू खुद भी नहीं सीगा पता। असी भी इन्हां नूं इहो आदेश दित्ते कि जो क्योंकि कोई भी जिहड़ी सिक्योरिटी हुंदी है जब तक एक बंदे दे विच 2 बंदिआं तक रहिंदी है वो सिक्योरिटी हुंदी है, जैसे थर्ड परसन दे विच चल जाती वो सिक्योरिटी नहीं रह जाती, वो अगे दी अगे गल निकल जाती। अगर संभू बार्डर 15 मिनट भी साडा जिहड़ा प्लानिंग पुलिस प्रशासन तक चल जाता तो असी उत्थे धरना नहीं लगा सकते सी। इस करके मैं ये ललन तलवार ते नायक हरपाल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग करके हमारे को जरा संभू बार्डर उत्ते जरा असी धरना लगाया और 14 घंटे तक जरा रेलवे चक्का जाम किया। और उससे बाद साढ़े सूबेदार प्रगट सिंह जो 95 साल के जो टैंकियों से चढ़े 4 बंदों के साथ, उनका भी असी तह दिल से धन्यवाद करते हैं। इसलिए कई मेरे साथी बोलते हैं कि हमारे को पहले नहीं बताया कहाँ का नाम देना था, पहले दिन नहीं बताया, इसलिए उन मैं अपने साबका सैनिक भ्राओं को अपील करनी चाहता हूँ कि जैसे हमने 20 फरवरी को जैसे धरना प्रदर्शन शुरू किया था वहाँ पर हमने कसम खाया था कि आपने पंजाब के साबका सैनिकों के साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर विश्वास जताया है, विश्वास किया है और हमने वहाँ पर कसम खाया था कि हम कभी भी अपने 2.5 लाख साबका सैनिकों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। हालांकि बीच में कुछ ऐसे एक्शन हुए हैं जो हमने फेडरेशन बनाई, फेडरेशन का प्रधान हमारे साथ विश्वासघात कर गया, जिसमें पहले 15 में जोड़ा जनरल सुबीर ने हमारे साथ विश्वासघात किया था, लेकिन उसके बावजूद भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वहां डटी रही मोर्चे के उत्ते और तरह तरह के एक्शन करती रही। अभी जो 25 जोड़ा नवंबर का एक्शन है अज तक किसी भी नैशनल न्यूज के उत्ते या किसी नैशनल चैनल के उत्ते साडी खबर नहीं चली थी 10 महीने तो ही जंतर मंत्र से बैठे हैं, लेकिन अभी कल जो 25 तरीक से जब जो एक्शन हुआ है वो पूरा देशा विदेशों के नैशनल मीडिया के उत्ते नैशनल इंटरनेशनल मीडिया के उत्ते भी साडी खबर गई है, हरेक प्रिंट मीडिया के खबर न्यूज गई है और सरकार तक भी आवाज़ पहुंची है। और लास्ट के जो पुलिस प्रशासन का दबाव
बड़ा सा हमारे ऊपर। और हमने जो है राज्यपाल जो पंजाब के राज्यपाल जी हैं उनसे जी साड़ी मीटिंग पुलिस प्रशासन ने सिविल प्रशासन ने हमारा उनके साथ मीटिंग करवाया और हमने वहां पर यही जड़ी है राज्यपाल साहब को मेमोरेंडम दिया। ये ठोस बोला कि हमारे को ये तो अभी हमारा ट्रेलर था, अभी इसके बाद हम 14 घंटे के अभी 14 घंटे का जाम किया, इसके बाद 14 दिन कंटिन्यू असं पूरा देश जरा वा रेलवे जी जाम कर देवे। ये साडा मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए और अगर जल्दी तो जल्दी साड़ी जी मंग है मेन मंग 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बनाई गई, टाइम बाउंड है 4 दिसंबर तक उन्होंने कहा कि मैं परसनली जाके मिलूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और बात करूंगा, उसके बाद फिर हमारी जी फॉलो अप मीटिंग होएगी और उसके बाद जो भी हमारे को अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन हम बताएंगे। जैसे कि हमारा 25 नवंबर को पूरे देश के सबका सैनिक स्पेशली मैं पंजाब दिया जथेबंदियों पंजाब के सबका सैनिकों उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। रात रात जो प्लानिंग करके पूरी रात जग के पूरी रात अपन बसों के उत्ते गड्डियों के उत्ते बैठ के अभी किसी ऐसी जगह पर इकट्ठे हुए और वहाँ से रातों रात जाके 4 बजे जाके ट्रैक जाम किया। ये एक बहुत बड़ी हमारी सफलता है, अगर 15 मिनट पहले भी हमारी सिक्योरिटी लीक हो जाती तो हम किसी भी ट्रैक के ऊपर नहीं बैठ सकते थे। इसलिए कुछ लोग वहाँ सबका सैनिक हमारे वहाँ आए भी है, जो हमारे विरोधी भी है वो भी आए हैं, उनका भी हमने वेलकम किया। देखकर वहां पर स्टेज के ऊपर तो हमारे फेवर में बोल गया है लेकिन बाद में फिर ऊपर आपको मिलना वही जो उनकी आदत है वो आदत से मजबूर है। कुछ लोग ऐसा भी प्रचार कर रहे हैं कि क्या कर लिया उन्होंने, चार ट्रेने रोक के कौन सा कद्दू में तीर मार दिया, ट्रेने तो वाया बठिंडा रूट राही चली वाया फलाने राही चली, तो ऐसी बातें भी हमारे ही सबका सैनिक कर रहे हैं। मेरी उन सबका सैनिकों को अपील है कि ऐसा फालतू का प्रापोगंडा ना करो। बाकी वो जथेबंदियों के प्रधानों को अपील है कि जेड़े उत्थे नहीं आए और जिन्होंने अपने साथियों को मना किया, जो उनके साथी हमारे साथ गए भी उनको भी उन्होंने मैसेज किया कि आपने किस परमिशन से गए हो आप हमारी संस्था। मैं उन जथेबंदियों को प्रधानों को यह दसना चाहूंगा कि आप अभी भी मौका है, अभी भी आ जाओ संगत के साथ, नहीं तो आपकी प्रधानगियां प्रधानगियां रह जाएगी, जो नीचे वाले लोग हैं वो सब तुर पेंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है कि संघर्ष कमेटी जो है उनके संघर्ष उनके सबकी मंगों के लिए संघर्ष कर रही है, इतना लंबा संघर्ष कर रही है, इतना बड़े बलिदान दे रही है, टैंकियां चढ़े हैं 95 साल के बुजुर्ग, उनको सबको पता चल गया है, सदियत सब सामने आ गई है, कौन जथेबंदियां पार्टियां की झोड़ी च बैठिया ने, कौन जथेबंदियां अफसरों की झोड़ी च बैठिया ने, कौन जथेबंदियां प्रापोगंडा कर रही ने। इस करके मैं उन्होंने हाथ ही जोड़ के बेनती करता कि जिन्हिया भी जथेबंदियां आई हैं उन्होंने अं कह दो धन्यवाद करते हैं, जिड़िया नहीं आई उन्होंने भी साड़ी अपील है कि अगला कोई भी प्रोग्राम करेंगे जहां तो हम पहले से सब जथेबंदियों को ये बोल रहे हैं तो कोई भी जथेबंदी आप प्रोग्राम लिखो हम आपके पीछे आएंगे, लेकिन आज तक किसी ने पहल नहीं किया। तो जो संस्था पहल करती है जो संघर्ष कर रही है उनके साथ अगर देना तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं देना तो अपने अपने घरों में बैठो प्रापोगंडा में करो, जो संघर्षी योधे उनकी टांगे भी ना खींचो। ये हमारी अपील है, असि बाबे नानक के फलसफे के मुताबिक अपना संघर्ष कर रहे हैं, संविधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। अज सानू उम्मीद है कि जिहड़ा वा जिवें कि किसानी संघर्ष इन्ना लंबा चलिया और ऐसे ही अभी उतना लंबा हमारा संघर्ष नहीं चलिया, अभी तो हमारा संघर्ष 25 नवंबर से शुरू हुआ है। इसलिए मैं पूरे देश के सबका सैनिकों को पंजाब के सबका सैनिकों को बेनती करता है कि अगला जो भी प्रोग्राम हम देंगे वो लिखेंगे उसका हम आपका जैसे अभी साथ दिया है इससे भी बड़ा जो बढ़ चढ़ आप हमारा साथ देंगे और हम अपने बाबे नानक की मेहर हमारे ऊपर हाथ है उनका और बाबे नानक के फर्ज के मुताबिक चलते हुए आगे बढ़ेंगे और ये संघर्ष जीतेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम खुदा हाफिज।